मेरा परिवार हमेशा से बहुत गरीब था मैं एक बैंक अधिकारी बनने और समाज में रुतबा रखने के सपने देखा करती थी ताकि हमारे परिवार में हमेशा की तरह पैसों की किल्लत ना रहे पढ़ाई पूरी करने के बाद काम की तलाश में मैंने कई जगह अपना रिज्यूमे भेजा मगर बड़ी मुश्किलों का सामना करने पर भी मुझे अपनी पसंद की नौकरी नहीं मिली बस साधारण सी और कम वेतन वाली नौकरी ही मिलती थी 2019 में मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों का कार्य स्वीकारा और कुछ समय बाद कलिसिया में सिंचन का कार्य करने लगी मैं सोचती थी अगर मैंने परमेश्वर के लिए अच्छा काम किया तो वह मुझे ज़रूर आशीष देगा और अच्छी नौकरी ढूंढने में मदद करेगा इसलिए अपना कर्तव्य निभाते हुए रिज्यूमे भेजती रही फिर जून 2021 में मुझे एक कंपनी के प्रतिनिधि का कॉल आया और उसने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया था मैंने ऑनलाइन जाकर उस संगठन के बारे में पढ़ा तो पाया कि यह एक मल्टीनेशनल कंपनी है और जो इसके सीईओ हैं वह दुनिया भर में निवेश कर रहे हैं उनका एक बहुत बड़ा बैंक था जिसके लिए काम करने की मेरी तमन्ना थी मगर उनके साथ इंटरव्यू की बात कभी बनी ही नहीं मैंने कभी नहीं सोचा था कि कंपनी मुझे इंटरव्यू के लिए खुद बुलाएगी ये एक सुखद आश्चर्य था लगा जैसे परमेश्वर मुझे मौका दे रहा है हुँ। उस मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना मेरे लिए परमेश्वर की आशीष होगी मैंने मन ही मन कहा कि इस बार मैं ज़रूर कामयाब होंगी और मैनेजर की सैलरी पाऊंगी क्योंकि परमेश्वर मेरी मदद करेगा मैं रोमांचित थी कि आखिर मुझे मेरे सपनों की नौकरी पाने का मौका मिल रहा था इससे मेरी मास्टर्स की डिग्री सार्थक होगी जिसके लिए मैंने बहुत मेहनत की थी मैं सोचने लगी कि आने वाले समय में मेरी जिंदगी कितनी बदल जाएगी मेरे पास बहुत से पैसे होंगे अपना घर होगा अपनी पसंद की कोई भी चीज़ खरीद पाऊंगी मैं दुनिया भर में घूम पाऊंगी अपने परिवार और माता पिता की देखभाल कर पाऊंगी मुझे लगा कि अगर मैं यहाँ काम पर लग गई तो सब कुछ कितना बेहतर हो जाएगा इंटरव्यू में मैंने देखा कि वहाँ तीन उम्मीदवार थे मैं डरने लगी कि शायद मेरा चयन नहीं होगा मगर मैंने खुद को समझाया नहीं ये नौकरी मुझे ही मिलेगी मैं परमेश्वर की संतान हूँ वह मुझे आशीष जरूर देगा जो हो परमेश्वर मेरे लिए इस जगह को सुरक्षित रखेगा मुझे अपनी काबिलियत पर भी थोड़ा बहुत भरोसा था इंटरव्यू में मैंने सभी सवालों के जवाब दिए इंटरव्यू लेने वाले ने कहा कि अगर मैं कामयाब रही तो वे मुझे पाँच दिनों में कॉल करेंगे मुझे विश्वास था कि मेरा चयन हो जाएगा पांच दिनों के बाद मैं बेसब्री से उस कॉल का इंतज़ार करने लगी दिन बीत गया पर उनकी कोई कॉल नहीं आई एक हफ्ता गुजर जाने पर भी उनकी तरफ से कोई कॉल नहीं आई मैं समझ गई कि मैं इंटरव्यू में कामयाब नहीं हो पाई दिल टूटने पर मैं खुद से सवाल करने लगी मुझ में क्या कमी थी मैं कामयाब क्यों नहीं हुई मैंने परमेश्वर पर भरोसा कर प्रार्थना की थी फिर कामयाबी क्यों नहीं मिली मैं बहुत निराश और कमजोर महसूस कर रही थी और परमेश्वर को दोष देने लगी दो सालों से विश्वासी होने के दौरान मैंने अपना कर्तव्य अच्छे से निभाया है मैं कभी परमेश्वर से दूर नहीं गई कभी अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ा फिर उसने मुझे अनुग्रह और आशीष क्यों नहीं दिए मैं इतनी उदास और दुखी हो गई कि पूरे हफ्ते सभाओं में नहीं गई और परमेश्वर के वचन पढ़ना भी बंद कर दिया था जब भाई बहन संपर्क करते तो मैं नाराज़ हो जाती उनसे बात करने का मन नहीं होता था मैं कुछ करना या घर से निकलना नहीं चाहती थी सुसमाचार का प्रचार और भाई बहनों के साथ परमेश्वर के वचन साझा करना भी बंद कर दिया था दिन भर कमरे में बंद रहती कोई प्रेरणा नहीं कोई लक्ष्य नहीं भूख प्यास भी जैसे खत्म हो गई थी कुछ ही दिनों में मेरा वजन भी कम हो गया फिर आप उन हालात से आखिर कैसे बाहर निकल पाए एक दिन मैंने परमेश्वर के वचनों का एक भजन सुना इम्तिहान में परमेश्वर को इंसान का सच्चा दिल चाहिए मैं पढ़ती हूं बढ़िया जब परमेश्वर लोगों की परीक्षा लेता है तो परमेश्वर किस प्रकार की वास्तविकता की रचना करना चाहता है परमेश्वर लगातार चाहता है कि लोग उसे अपना हृदय दें जब परमेश्वर तुम्हारी परीक्षा लेता है तब वह देखता है कि तुम्हारा हृदय परमेश्वर के साथ है शरीर के साथ है या शैतान के साथ है जब परमेश्वर तुम्हारी परीक्षा लेता है तब वह देखता है कि तुम परमेश्वर के विरोध में खड़े हो या परमेश्वर के अनुरूप हो और तुम्हारा हृदय उसकी तरफ है या नहीं जब तुम अपरिपक्व होते हो और परीक्षणों का सामना कर रहे होते हो तब तुम्हारा आत्मविश्वास कम होता है और तुम्हें ठीक से पता नहीं होता कि वह क्या है जिससे तुम परमेश्वर के इरादों को संतुष्ट कर सकते हो क्योंकि तुम्हें सत्य की एक सीमित समझ है लेकिन अगर तुम ईमानदारी और सच्चाई से प्रार्थना करो उसे अपना हृदय देने को तैयार रहो उसे अपना अधिपति बनाओ और वे चीजें अर्पित करने के लिए तैयार हो जिन्हें तुम अत्यंत बहुमूल्य मानते हो तो तुम पहले ही उसे अपना दिल दे चुके हो जब तुम अधिक धर्मोपदेश सुनोगे और अधिक सत्य समझोगे तो तुम्हारा आध्यात्मिक कद भी धीरे धीरे परिपक्व होता जाएगा इस समय परमेश्वर की तुमसे वे अपेक्षाएं नहीं होंगी जो तब थी जब तुम अपरिपक्व थे उसे तुमसे अधिक ऊंचे स्तर की अपेक्षा होगी जैसे जैसे लोग परमेश्वर को अपना दिल देते हैं वैसे वैसे वे उसके पास आते हैं जब लोग उसके पास आ जाते हैं तो उनका दिल उसके प्रति और श्रद्धा रखने लगता है परमेश्वर को ऐसा ही हृदय चाहिए आमीन। आमीन। मैं समझ गई थी कि जब परमेश्वर लोगों की परीक्षा लेता है तो वह उनके दिलों को परखता है कि उन्हें क्या फिक्र है वे परमेश्वर के बनाए माहौल में उसके प्रति समर्पित है या नहीं अपना दिल उसे सौंपने के बजाय मैं अपनी इच्छा पूर्ति के लिए उसका इस्तेमाल करने की सोच रही थी जब मुझे अपनी पसंद की नौकरी पैसा और सांसारिक सुख नहीं मिला तो मैं कमज़ोर हो गई न सभाओं में शामिल होना न कर्तव्य निभाना चाहती थी यह परमेश्वर से है और मैं उन हालात में परमेश्वर के लिए गवाही देने का मौका खो रही थी इसलिए मैंने प्रार्थना की सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुमने दिखाया कि तुम्हारे प्रति मेरी निष्ठा सच्ची नहीं है और मैंने तुम्हारे लिए गवाही नहीं दी या तुम्हारे प्रति समर्पित नहीं हुई परमेश्वर मुझ पर दया करो मैं पश्चाताप करना चाहती हूँ प्रार्थना के बाद मुझे बहुत शांति मिली मैंने दूसरों के संदेशों का जवाब भी दिया एक बहन ने मेरी हालत के बारे में पूछा तो मैंने उसे अपनी आप बीती के बारे में सब कुछ बताया उसने मुझे परमेश्वर के वचन भेजे ऐसा कोई इंसान नहीं जिसका पूरा जीवन दुखों से मुक्त हो किसी को पारिवारिक परेशानी किसी को काम धंधे की परेशानी किसी को शादी विवाह की परेशानी और किसी को शारीरिक व्याधि की परेशानी हर कोई किसी ना किसी तरह का कष्ट झेलता है कुछ लोग कहते हैं लोगों को कष्ट क्यों उठाना पड़ता है अगर हमारा पूरा जीवन सुख शांति से बीतता तो कितना अच्छा होता ऐसा नहीं हो सकता कि दुख आए ही ना नहीं सभी को दुख भोगने होंगे दुख इंसान को जीवन की असंख्य संवेदनाओं का अनुभव कराते हैं फिर चाहे ये संवेदनाएं सकारात्मक हों नकारात्मक हों सक्रिय हों या निष्क्रिय हों दुख तरह तरह के एहसास और समझ पैदा करता है जो कि तुम्हारे पूरे जीवन का अनुभव होते हैं यदि तुम सत्य की खोज करके इनसे परमेश्वर की इच्छा का पता लगा सको तो तुम उस मानक के करीब पहुंच जाओगे जिसकी परमेश्वर तुमसे अपेक्षा करता है यह एक पहलू है और यह लोगों को अधिक अनुभवी बनाने के लिए भी है दूसरा पहलू वह जिम्मेदारी है जो परमेश्वर मनुष्य को देता है कौन सी जिम्मेदारी तुम्हें इस पीड़ा से गुजरना होगा इस पीड़ा को सहना होगा और यदि तुम इसे सह पाओ तो यह गवाही है यह कोई ऐसी चीज नहीं जो शर्मनाक हो आमीन। परमेश्वर के वचनों से मैंने जाना कि हर कोई अपने जीवन में संघर्ष करता है चाहे वह विश्वासी हो या ना हो तकलीफ हमारे जीवन का एक हिस्सा है ऐसा नहीं है कि तकलीफ का कोई मोल नहीं है यह मेरा अनुभव बढ़ा सकता है मुझे परमेश्वर के करीब ला सकता है मैं सत्य की खोज करने और परमेश्वर की इच्छा जानने उसके पास आ सकती हाँ। शैतान द्वारा गहराई तक भ्रष्ट होकर हम वैभव की चाह रखते हैं रुतबे और अच्छे भविष्य के पीछे भागते हैं सत्य से प्रेम नहीं करते अगर हम ऐशो आराम की जिंदगी जीते रहे तो परमेश्वर से दूर हो जाएंगे अधिक से अधिक अयाश होते जाएंगे हाँ। मैंने जाना कि परमेश्वर ने मेरे साथ ये सब इसलिए होने दिया क्योंकि वह प्रार्थना में मुझे अपने पास लाना चाहता था ताकि मैं सत्य खोजूं परमेश्वर में सच्ची आस्था हासिल करूं उसके और करीब आ सकूं परमेश्वर के नेक इरादे समझकर मैं उन हालात से लड़ना नहीं चाहती थी बल्कि आगे चाहे जो भी होने वाला हो मैं परमेश्वर के प्रति समर्पित होकर सच्ची निष्ठा रखना चाहती थी परमेश्वर का धन्यवाद मैंने वचनों का एक और अंश पढ़ा इसका एक वीडियो देखते हैं ठीक बढ़िया सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं लोगों के जीवन अनुभवों में वे प्राय मन ही मन सोचते हैं मैंने परमेश्वर के लिए अपने परिवार और जीविका का त्याग कर दिया है और उसने मुझे क्या दिया है मुझे इसमें अवश्य जोड़ना और इसकी पुष्टि करनी चाहिए क्या मैंने हाल ही में कोई आशीष प्राप्त किया है मैंने इस दौरान बहुत कुछ दिया है मैं बहुत दौड़ा भागा हूं मैंने बहुत अधिक सहा है क्या परमेश्वर ने बदले में मुझे कोई प्रतिज्ञाएं दी हैं क्या उसने मेरे अच्छे कर्म याद रखे हैं मेरा अंत क्या होगा क्या मैं परमेश्वर के आशीष प्राप्त कर सकता हूं प्रत्येक व्यक्ति अपने हृदय में निरंतर ऐसा गुणाभाग भाग करता है और वे परमेश्वर से मांगे करते हैं जिनमें उनके कारण महत्वाकांक्षाएं तथा लेन देन की मानसिकता होती है कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य अपने हृदय में लगातार परमेश्वर की परीक्षा लेता रहता है परमेश्वर के बारे में लगातार मनसूबे बनाता रहता है और स्वयं अपने व्यक्तिगत मनोरथ के पक्ष में परमेश्वर के साथ तर्क वितर्क करता रहता है और परमेश्वर से कुछ न कुछ कहलवाने की कोशिश करता है ये देखने के लिए कि परमेश्वर उसे वो दे सकता है या नहीं जो वो चाहता है परमेश्वर का अनुसरण करने के साथ ही साथ मनुष्य परमेश्वर से परमेश्वर के समान बर्ताव नहीं करता है मनुष्य ने परमेश्वर के साथ हमेशा सौदेबाजी करने की कोशिश की है उससे अनवरत मांगे की हैं और यहां तक कि एक इंच देने के बाद एक मील लेने की कोशिश करते हुए हर कदम पर उस पर दबाव भी डाला है परमेश्वर के साथ सौदेबाजी करने की कोशिश करते हुए साथ ही साथ मनुष्य उसके साथ तर्क वितर्क भी करता है और यहां तक कि ऐसे लोग भी हैं जो जब परीक्षाएं उन पर पड़ती हैं या जब वे अपने आप को किन्हीं निश्चित स्थितियों में पाते हैं तो प्रायः कमजोर निष्क्रिय और अपने कार्य में सुस्त पड़ जाते हैं और परमेश्वर के बारे में शिकायतों से भरे होते हैं मनुष्य ने जब पहले पहल परमेश्वर में विश्वास करना आरंभ किया था उसी समय से मनुष्य ने परमेश्वर को एक अक्षय पात्र एक स्विस आर्मी चाकू माना है और अपने आप को परमेश्वर का सबसे बड़ा साहूकार माना है मानो परमेश्वर से आशीष और प्रतिज्ञाएं प्राप्त करने की कोशिश करना उसका जन्मजात अधिकार और कर्तव्य है जबकि परमेश्वर का दायित्व मनुष्य की रक्षा और देखभाल करना और उसे भरण पोषण देना है ऐसी है परमेश्वर में विश्वास की मूलभूत समझ उन सब लोगों की जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं और ऐसी है परमेश्वर में विश्वास की अवधारणा की उनकी गहनतम समझ मनुष्य की प्रकृति के सार से लेकर उसके व्यक्ति परख अनुसरण तक ऐसा कुछ भी नहीं है जो परमेश्वर के भय से संबंधित हो परमेश्वर में विश्वास करने में मनुष्य के लक्ष्य का परमेश्वर की आराधना के साथ कोई लेना देना संभवतः नहीं हो सकता है कहने का तात्पर्य ये, ये मनुष्य ने न कभी यह विचार किया और न समझा कि परमेश्वर में विश्वास करने के लिए परमेश्वर का भय मानने और आराधना करने की आवश्यकता होती है ऐसी स्थितियों के आलोक में मनुष्य का सार स्पष्ट है ये सार क्या है ये सार ये है कि मनुष्य का हृदय द्वेषपूर्ण है छल और कपट रखता है निष्पक्षता धार्मिकता और सकारात्मक चीजों से प्रेम नहीं करता है और यह तिरस्करणीय और लोभी है मनुष्य का हृदय परमेश्वर के लिए और अधिक बंद नहीं हो सकता है उसने इसे परमेश्वर को बिल्कुल भी नहीं दिया है परमेश्वर ने मनुष्य का सच्चा हृदय कभी नहीं देखा है न ही उसकी मनुष्य द्वारा कभी आराधना की गई है परमेश्वर चाहे जितनी बड़ी कीमत चुकाए या वो चाहे जितना अधिक कार्य करे या वो मनुष्य का चाहे जितना भरण पोषण करे मनुष्य इस सब के प्रति अंधा और सर्वथा उदासीन ही बना रहता है मनुष्य ने कभी परमेश्वर को अपना हृदय नहीं दिया है वो केवल स्वयं ही अपने हृदय का ध्यान रखना स्वयं अपने निर्णय लेना चाहता है जिसका निहितार्थ यह है कि मनुष्य परमेश्वर का भय मानने और बुराई से दूर रहने के मार्ग का अनुसरण करना या परमेश्वर की संप्रभुता और व्यवस्थाओं का पालन करना नहीं चाहता है न ही वो परमेश्वर के रूप में परमेश्वर की आराधना करना चाहता है ऐसी है आज मनुष्य की दशा आमीन। इन वचनों ने मेरी असल हालत का खुलासा करके मुझे बहुत शर्मिंदा महसूस कराया मेरी आस्था सिर्फ आशीष पाने के लिए थी भले ही मैं परमेश्वर के लिए खुद को खपा रही थी आखिर में ये सब पूरी तरह परमेश्वर से इनाम पाने के लिए ही था मैंने पूरे उत्साह से उसकी सेवा की समय और ऊर्जा लगाकर काम किया परमेश्वर के आशीष और अनुग्रह पाने की उम्मीद में जिससे उस क्षेत्र में अच्छे वेतन की नौकरी मिले जिसकी मैंने पढ़ाई की है फिर मेरा जीवन खुशहाल होगा किसी चीज की कमी नहीं होगी मुझे और मेरे परिवार को आगे तकलीफ नहीं होगी यही मेरी सोच और मेरा लक्ष्य था मगर दो सालों की आस्था के बाद जिन आशीषों की चाह थी वे मुझे नहीं मिली जब उम्मीद के अनुसार नौकरी नहीं मिली तो परमेश्वर का अनुसरण करने का मेरा जोश खत्म हो गया फिर तथ्यों से पता चला कि मैं परमेश्वर को धोखा दे रही थी सौदेबाजी की कोशिश कर रही थी ऐसा प्रतीत होता कि मैं परमेश्वर के लिए मेहनत करती हूँ सभाओं में जाती हूँ कर्तव्य निभाती हूँ मगर असल में मेरी गुप्त मंशाएं थीं मैं परमेश्वर से अधिक अनुग्रह और आशीष चाहती थी परमेश्वर के वचनों के प्रबोधन से मुझे अपने स्वार्थ का पता चला मैं सिर्फ खुद के और अपने परिवार के बारे में सोच रही थी अपनी मांगे परमेश्वर पर थोप रही थी अनावश्यक मांगे कर रही थी ऐसे पेश नहीं आ रही थी जैसे वो परमेश्वर हो अपनी आस्था में उसकी आराधना नहीं कर रही थी ऐसे आशीष मांग रही थी मानो वह मेरा कर्जदार हो मुझे उससे खास सहयोग की उम्मीद थी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए मैं उसका इस्तेमाल कर रही थी परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है बिना शर्त हमें बहुत से सत्य दिए हैं शैतान द्वारा भ्रष्ट किए गए हम इंसानों को बचाने के लिए उसने देह धारण किया और कष्ट सहा ताकि हम सत्य पा सकें भ्रष्टता त्याग सकें और परमेश्वर द्वारा बचाए जा सकें सके हमारे लिए परमेश्वर का प्रेम अगाध है उसने हमें बहुत सारा अनुग्रह दिया है हाँ। मगर मुझे परमेश्वर का प्रेम नहीं दिखा और मैंने कभी उसकी इच्छा की परवाह नहीं की मैं सिर्फ मांगना जानती थी मेरे पास विवेक या समझ नहीं थी परमेश्वर के वचन हमेशा हमारी सही स्थिति का खुलासा करते हैं अगर हम अपने त्याग के बदले परमेश्वर से आशीष मांगे अपने कर्तव्य को लेन देन का हिस्सा समझें तो ये आस्था और सेवा वैसी है जैसी हम अपने बॉस के लिए करते हैं ये बदले में कुछ पाने के लिए है इसमें कोई ईमानदारी नहीं है बिल्कुल हाँ फिर मैंने कुछ और वचन पढ़े जो परमेश्वर का कार्य और मनुष्य का अभ्यास का आखिरी अंश है जिनके हृदय में परमेश्वर है उनकी किसी भी प्रकार की परीक्षा ली जाए उनकी निष्ठा अपरिवर्तित रहती है जिनके हृदय में परमेश्वर ना हो वे ईश कार्य से दैहिक लाभ ना मिलने पर परमेश्वर के बारे में अपना दृष्टिकोण बदल लेते हैं परमेश्वर को छोड़कर चले जाते हैं इस प्रकार के लोग ऐसे होते हैं जो अंत में डटे नहीं रहेंगे जो केवल परमेश्वर के आशीष खोजते हैं उनमें उसके लिए खुद को खपाने समर्पित होने की इच्छा नहीं होती ऐसे सभी अधम लोगों को परमेश्वर का कार्य समाप्ति पर आने पर बहिष्कृत कर दिया जाएगा और वे किसी भी प्रकार की सहानुभूति के योग्य नहीं हैं। जो लोग मानवता से रहित हैं वे सच में परमेश्वर से प्रेम करने में अक्षम हैं अनुकूल परिवेश में या जब लाभ मिलता हो तो वे परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहते हैं किंतु जब जो वे चाहते हैं उसमें कमी बेशी की जाती है या अंततः उसके लिए मना कर दिया जाता है तो वे बगावत कर देते हैं और कभी एक रात में ही वे अपने कल के उपकारियों के साथ बिना किसी तुक या तर्क के अपने घातक शत्रु के समान व्यवहार करते हुए एक मुस्कुराते उदार हृदय व्यक्ति से एक कुरूप और जघन्य हत्यारे में बदल जाते हैं इन पिशाचों को निकाला ना गया तो ये बेहचक हत्या कर देंगे तो क्या वे एक छिपा हुआ खतरा नहीं बन जाएंगे आमीन। ये वचन हमें बताते हैं कि जिनके दिलों में परमेश्वर है वे ही उसके परीक्षणों से गुजरकर गवाही दे सकते हैं पर जिनके दिलों में परमेश्वर नहीं है वे सिर्फ अपने फायदे की सोचते हैं जब लोगों को दैहिक सुख हासिल होता है तब वे आज्ञा पालन करते हैं मगर जब उनकी दिली चाहत पूरी नहीं होती है तो वे परमेश्वर को शत्रु समझते हैं उसे दोष दे विश्वासघात करते हैं ऐसे लोगों से परमेश्वर को नफरत है वह उन्हें हटा देगा वे राक्षसों जैसे हैं परमेश्वर के वचनों से मुझे एहसास हुआ कि मैं भी तो उन्हीं लोगों जैसी हूं मेरी आस्था भी तो आशीष पाने के लिए ही थी जब मेरे पास अच्छी नौकरी थी परिवार स्वस्थ था मैं परमेश्वर के लिए कड़ी मेहनत करने को तैयार थी मगर जब चीज़ें मेरी उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई तो मैंने विद्रोह कर दिया और परमेश्वर से शिकायतें की मेरे मन में निष्ठा या समर्पण नहीं था परमेश्वर में मेरी आस्था सच्ची नहीं थी मैं परमेश्वर को धोखा देकर उससे सौदा कर रही थी वह ऐसी आस्था कभी नहीं स्वीकारेगा परमेश्वर अंत के दिनों में विजेताओं का एक समूह बना रहा है वे परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए जीते हैं और अपने दिलों को उसकी तरफ मोड़ सकते हैं उनमें कष्ट सहने का दृढ़ संकल्प होता है वे अयूब की तरह मुश्किलों में भी अडिग रहकर गवाही दे सकते हैं उन लोगों को परमेश्वर अंत में पूर्ण बनाएगा सिर्फ वे ही परमेश्वर की स्वीकृति और आशीष पाएंगे सही है। अयूब ने अपने परीक्षणों के दौरान काफी कष्ट सहा मगर उसने अपने कष्टों के लिए कभी परमेश्वर को दोष नहीं दिया दरअसल परमेश्वर में उसकी आस्था कभी कमजोर नहीं हुई अपने बच्चे धन दौलत गवा देने पर भी उसने परमेश्वर का गुणगान किया उसकी व्यवस्था के प्रति समर्पित रहा उसने परमेश्वर के लिए जबरदस्त गवाही दी हाँ मगर मैंने क्या किया मैं परमेश्वर की अपेक्षाओं से बहुत दूर थी एक दिन मैंने परमेश्वर के ये वचन पढ़े जो तुम किसके प्रति वफादार हो का आखिरी अंश है इसे मैं पढ़ूंगी बढ़िया अगर मैं तुम लोगों के सामने कुछ पैसे रखूं और तुम्हें चुनने की आज़ादी दूं और अगर मैं तुम्हारी पसंद के लिए तुम्हारी निंदा ना करूं तो तुम में से ज़्यादातर लोग पैसे का चुनाव करेंगे और सत्य को छोड़ देंगे तुम में से जो बेहतर होंगे वे पैसे को छोड़ देंगे और अनिच्छा से सत्य को चुन लेंगे जबकि इनके बीच वाले एक हाथ से पैसे पकड़ेंगे और दूसरे से सत्य इस तरह तुम्हारा असली रंग क्या स्वतः प्रकट नहीं हो जाता सत्य और किसी ऐसी अन्य चीज के बीच जिसके प्रति तुम वफादार हो चुनाव करते समय तुम सभी ऐसा ही निर्णय लोगे और तुम्हारा रवैया ऐसा ही रहेगा क्या ऐसा नहीं है क्या तुम लोगों में बहुत तेरे ऐसे नहीं हैं जो सही और गलत के बीच में झूलते रहे हैं सकारात्मक और नकारात्मक काले और सफ़ेद की लड़ाई में तुम अपना चुनाव जानते हो जो तुमने परिवार और परमेश्वर संतान और परमेश्वर साथ ही शांति और विघटन अमीरी और गरीबी हैसियत और मामूलीपन समर्थन पाने और किनारे होने के बीच किए हैं शांतिपूर्ण परिवार और टूटे हुए परिवार के बीच तुमने पहले ही को चुना और ऐसा तुमने बिना किसी संकोच के किया धन संपत्ति और कर्तव्य के बीच तुमने फिर से पहले को चुना यहाँ तक कि तुम में किनारे पर वापस लौटने की इच्छा भी नहीं रही विलासिता और निर्धनता के बीच तुमने पहले को चुना अपने बेटों बेटियों पत्नियों और पतियों तथा मेरे बीच तुमने पहले को चुना और धारणा और सत्य के बीच तुमने एक बार फिर पहले को चुना तुम लोगों के दुष्कर्मों को देखते हुए मेरा विश्वास ही तुम पर से उठ गया है मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि तुम्हारा हृदय कोमल बनने का इतना प्रतिरोध करता है सालों की लगन और प्रयास से मुझे स्पष्टतः केवल तुम्हारे परित्याग और निराशा से अधिक कुछ नहीं मिला लेकिन तुम लोगों के प्रति मेरी आशाएं हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती ही जाती हैं क्योंकि मेरा दिन सबके सामने पूरी तरह से खुला पड़ा रहा है फिर भी तुम लोग अंधेरी और बुरी चीजें खोजते रहते हो और अपनी पकड़ ढीली करने से मना करते हो तो फिर तुम्हारा परिणाम क्या होगा क्या तुम लोगों ने कभी इस पर सावधानी से विचार किया है अगर तुम लोगों को फिर से चुनाव करने को कहा जाए तो फिर तुम्हारा क्या रुख रहेगा क्या अब भी तुम लोग पहले को ही चुनोगे क्या अब भी तुम मुझे निराशा और भयंकर कष्ट ही पहुंचाओगे क्या अब भी तुम्हारे हृदयों में थोड़ा सा भी सौहार्द होगा क्या तुम अब भी इस बात से अनभिज्ञ रहोगे कि मेरे हृदय को सुकून पहुंचाने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए इस क्षण तुम्हारा चुनाव क्या है क्या तुम मेरे वचनों के प्रति समर्पण करोगे या उनसे उक्ताए रहोगे मेरा दिन तुम लोगों की आंखों के सामने रख दिया गया है और एक नया जीवन और एक नया प्रस्थान बिंदु तुम लोगों के सामने है लेकिन मुझे तुम्हें बताना होगा कि ये प्रस्थान बिंदु पिछले नए कार्य का प्रारंभ नहीं है बल्कि पुराने का अंत है अर्थात ये अंतिम कार्य है मेरा ख्याल है कि तुम लोग समझ सकते हो कि इस प्रस्थान बिंदु के बारे में असामान्य क्या है लेकिन जल्द ही किसी दिन तुम लोग इस प्रस्थान बिंदु का सही अर्थ समझ जाओगे अतः आओ हम एक साथ इससे आगे बढ़ें और आने वाले समापन का स्वागत करें आमीन। हाँ। आमीन।, आमीन। इन वचनों से प्रेरित होकर मैंने जाना कि लोगों की प्रकृति सचमुच परमेश्वर को धोखा देने की है हम सिर्फ सांसारिक धन दौलत रुतबे और शोहरत से प्रेम करते हैं सत्य से नहीं भले ही हमारी प्रकृति से परमेश्वर को नफरत है मगर वह हमारी भ्रष्टता को अनदेखा कर सिर्फ देखता है कि हम सत्य खोज रहे हैं या नहीं हमने पश्चाताप कर खुद को बदला या नहीं परमेश्वर हमें शैतान के प्रभाव से पूरी तरह बचाकर अपने राज्य में लाना चाहता है हाँ हाँ मैंने परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं संजोया सत्य नहीं खोजा बस मोटी कमाई वाली अच्छी नौकरी पाने पर ध्यान दिया धन दौलत और दैहिक सुख की कामना की मैं कितनी मूर्ख थी सिर्फ सत्य भ्रष्टता को स्वच्छ कर सकता है और हमें अच्छाई बुराई में फर्क करने और शैतान के धोखे और नुकसान से बचने में हमारी मदद कर सकता है सत्य समझकर हमें परमेश्वर को जानने जीने का तरीका सीखने और सार्थकता ढूंढने में मदद मिल सकती है हाँ। पैसे और सांसारिक सुख के पीछे भागना हमें सिर्फ परमेश्वर से दूर ले जाएगा मुझे भ्रष्ट लालची और आसक्त बनाएगा जिससे मैं उद्धार का मौका गवा दूंगी बिल्कुल हाँ। जैसा कि प्रभु यीशु ने कहा तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है सही बात है बहुत अमीर होना बहुत आरामदायक जिंदगी जीना अच्छी बात नहीं जैसा कि कहावत है और निश्चिंत रहने के कारण मूढ़ लोग नष्ट होंगे बिल्कुल प्रभु यीशु ने हमें सचेत किया है इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे क्या पहनेंगे क्योंकि इनकी खोज में अन्य जातीय है रहते हैं पर तुम्हारे स्वर्गिक पिता को पता है कि तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत है पहले परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता खोजो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें स्वतः ही मिल जाएंगी आपदाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। सबसे जरूरी है कि हम खुद को सत्य से परिपूर्ण करें अपने कर्तव्यों में कड़ी मेहनत करें हाँ। हाँ। हमें भ्रष्टता त्याग कर परमेश्वर के प्रति समर्पित होने की कोशिश करनी होगी ताकि उसकी नजरों में एक सृजित प्राणी कहलाने लायक बन सके इससे अहम कोई और चीज नहीं है बिल्कुल। -बिल मैंने ये भी जाना कि मुझे अच्छी नौकरी मिलना ना मिलना परमेश्वर के हाथ में है अब मैं उसके आयोजनों के प्रति समर्पित थी और खुद को उसके हाथों में सौंपने को तैयार थी आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद फिर मैंने परमेश्वर के वचनों का एक और अंश पढ़ा मनुष्य के कर्तव्य और वह धन्य है या शापित इनमें कोई सहसंबंध नहीं है कर्तव्य वह है जो मनुष्य के लिए पूरा करना चाहिए यह उसकी स्वर्ग द्वारा प्रेषित वृत्ति है जो प्रतिफल स्थितियों या कारणों पर निर्भर नहीं होनी चाहिए तभी वह कर्तव्य पूरा कर रहा है न्याय द्वारा जब कोई पूर्ण बनाया जाता और आशीषों का आनंद लेता है तो यह धन्य होना है ताड़ना और न्याय किए जाने के बाद भी किसी के स्वभाव का न बदलना शापित होना है ऐसा तब होता है जब उसे पूर्ण नहीं बल्कि दंडित किया जाता है चाहे उन्हें धन्य किया जाए या उन्हें शाप दिया जाए सृजित प्राणियों को अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए वह करते हुए जो करना ही चाहिए और जिसे वे कर सकते हैं परमेश्वर की खोज करने वाले को इतना तो करना ही चाहिए न तो अपना कर्तव्य केवल आशीष के लिए करो और न ही शापित होने के भय से इससे इनकार करो मैं तुम लोगों को ये बात बता दूं मनुष्य को अपने कर्तव्य का निर्वहन अवश्य करना चाहिए और यदि वह अपना कर्तव्य करने में अक्षम है तो यह उसकी विद्रोहशीलता है आमें। आमें। इस अंश से मैंने सीखा कि परमेश्वर हमें धन दौलत दे आपदा हमें अपना कर्तव्य निभाकर परमेश्वर की आज्ञा पूरी करनी होगी यह बिना शर्त हमारी जिम्मेदारी है बिल्कुल मैंने सोचा कि एक स्थायी अच्छी और सम्मानित नौकरी पाने की चाह में थोड़ी बहुत विफलता झेलने के बाद मैं बहुत ज्यादा उदास और निराश हो गई और अपना कर्तव्य नहीं निभाना चाहती थी अपने कर्तव्य के प्रति मेरा रवैया सही नहीं था सही, सही कहा परमेश्वर कहता है कि सृजित प्राणियों के नाते अपनी भूमिका निभाना हमारी जिम्मेदारी है परमेश्वर हमारे लिए जो भी हालात बनाए भले ही हम कमजोरी महसूस करें परमेश्वर की इच्छा को ना समझें पर हमें अपना कर्तव्य निभाते रहना होगा हम सृजित प्राणियों को बिना शर्त परमेश्वर के प्रति समर्पित होना चाहिए हमें उससे मांगने या उसके साथ सौदे करने का कोई अधिकार नहीं है हाँ। सृजित प्राणियों के नाते अपनी भूमिका निभाना हमारा दायित्व है कोई भी लेन देन उसे कमजोर नहीं कर सकता हाँ ये वैसे ही स्वाभाविक है जैसे माता पिता के प्रति बच्चों की जिम्मेदारी बिल्कुल उसके बाद मैं अपने कर्तव्य के प्रति गंभीर हो गई खुद को सुसमाचार साझा करने में झोंक दिया इस तरह जीवन जीकर मुझे बहुत शांति मिली परमेश्वर का धन्यवाद एक दिन एक स्कूल ने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया वह एक बहुत ही बड़ा स्कूल था वहां नौकरी मिलने पर मुझे अच्छा खासा वेतन मिलता मगर इंटरव्यू के दौरान मैंने मन में परमेश्वर से कहा परमेश्वर यह सब कुछ तुम्हारी व्यवस्था है मैं इस इंटरव्यू में अच्छा करूं या ना करूं मैं तुमसे नौकरी दिलाने की मांग नहीं करती मैं तुम्हारे आयोजनों के प्रति समर्पित हूँ अगर आज मुझे ये नौकरी नहीं मिली तब भी मैं तुम्हारा गुणगान करती रहूंगी और अपना कर्तव्य निभाती रहूंगी आमें। आमें। लिखित परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए गए और मैं श्रेष्ठ पांच उम्मीदवारों में थी मैं बहुत खुश थी कुछ दिनों बाद जब मौखिक इंटरव्यू हुआ तो मुझे नहीं चुना गया एक दोस्त ने बताया कि उसे चुन लिया गया है भले ही मैं उसके लिए खुश थी मगर मुझे थोड़ी निराशा भी हुई मैंने परमेश्वर से आंतरिक शांति और दिल पर नजर रखने की विनती की ताकि उसकी व्यवस्था के प्रति समर्पित हो सकूँ प्रार्थना से मुझे सुकून मिला और दोपहर से मैं हमेशा की तरह कर्तव्य में लग गई परमेश्वर का धन्यवाद मैं जानती थी कि अगर परमेश्वर मुझे उस स्कूल में काम करने देना चाहता तो मुझे वो नौकरी मिल जाती नहीं तो जितनी मेहनत करूं मुझे वो नौकरी नहीं मिलेगी मुझे यकीन हो गया कि सब परमेश्वर के हाथ में है कोई उसकी इच्छा बदल नहीं सकता जब मैंने ऐसे सोचा तो मुझे आंतरिक प्रेरणा महसूस हुई अब चाहे जो भी हो मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना अपना कर्तव्य निभाना चाहती थी बहुत बढ़िया इससे मुझे सीख मिली कि वे मुश्किल हालात दरअसल परमेश्वर का अनुग्रह और आशीष ही थे उसने मेरी आस्था की परीक्षा लेने के लिए उन हालात से गुजरने दिया ताकि पता चले कि कठिन समय में मेरी आस्था सच्ची है या नहीं हाँ। सच्चाई का सामना होने पर मुझे पता चला कि मेरी आस्था कितनी मिलावटी थी मैं परमेश्वर को धोखा दे सकती थी उसके वचनों के मार्गदर्शन से मैं खुद को समझ सकी और अपनी गलत सोच को बदल पाई आराम की जिंदगी बिताते हुए ये सब हासिल कर पाना मुमकिन नहीं था मैं परमेश्वर के प्रेम की आभारी हूँ धन्यवाद